ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेल फ्लिक मेथड। हम लोग एनाल्जेसिक एक्टिविटी स्टडी करेंगे टेल फ्लिक मेथड से। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग अवर एक्सफार्म सीरीज सॉफ्टवेयर। उसके लिए हम लोग हमारा एक्सफार्म सीरीज सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करेंगे। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू ओपन दैट एक्सफार्म सीरीज सॉफ्टवेयर एंड वी हैव टू लॉग इन इन एक्सफार्म सीरीज सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट दिस विंडो इज देयर। इस विंडो पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टडी ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ टेल फ्लिक मेथड। ओके, इट्स नेम सेल्फ इंडिकेटेड। टेल फ्लिक, टेल फ्लिक मतलब क्या है कि नॉर्मली माइस एनिमल टेल फ्लिक करेगा व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर, व्हेन वी आर गिविंग थर्मल एनर्जी, व्हेन वी आर गिविंग एनी हॉट थिंग। हम लोग क्या करते हैं कि थर्मल लाइट देते हैं। लाइट हॉट होने की वजह से क्या होता है, पेन होता है। पेन ड्यू टू पेन रैट फ्लिकिंग देयर टेल। रैट क्या करता है, टेल फ्लिक करता है। और फ्लिक करने की वजह से उसे हम लोग को पता चलता है कि रैट को पेन हो रहा है। तो एनाल्जेसिक मीन्स व्हाट, वी आर इवेलुएटिंग द पेन, वी आर काउंटिंग द पेन परसेप्शन। एनाल्जेसिक एक्टिविटी में हम लोग पेन परसेप्शन काउंट करते हैं कि कितना पेन हो रहा है, पेन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, हम लोग इसमें वो काउंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू क्लिक वर्चुअल प्रैक्टिस। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर। हम लोग क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर विंडो आएंगी। विंडो आने के बाद आपको देखेगा कि दिस इज अपराइटस विच इज यूज्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। रैट इज प्लेस इन पर्टिकुलर केज, पर्टिकुलर होल्डर एंड दिस इज द टेल ऑफ रैट। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो थर्मल लाइट अप्लाई करते हैं, देयर टेम्परेचर इज 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। सी, इतने टेम्परेचर पे जब हम लोग लाइट अप्लाई करते हैं तो पेन होता है। और हम लोग को पेन, हम लोग क्या करेंगे इसमें, वी हैव टू मेक टू ग्रुप। हम लोग क्या करते हैं कि दो ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट ग्रुप एज ए कंट्रोल, सेकेंड ग्रुप एज ए टेस्टेड। वी आर कंट्रोल को हम लोग क्या करते हैं, इन कंट्रोल ग्रुप सिक्स एनिमल इज देयर एंड इट टेस्ट सिक्स एनिमल इज देयर। इन कंट्रोल वी आर गिविंग द व्हीकल, कंट्रोल को हम लोग व्हीकल देते हैं। और टेस्टेड को हम लोग वट एवर द ड्रग इज देयर, हेयर मॉर्फिन इज यूटिलाइज। मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक ड्रग विच इज एक्टिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूसिंग योर पेन परसेप्शन। मॉर्फिन क्या करता है, आपके पेन परसेप्शन को रिड्यूस करता है बाय एक्टिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट ओपन करना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को पर क्लिक करना है। आफ्टर आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे, यू हैव टू रीड दैट इंस्ट्रक्शन। ओके, इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि वी हैव टू मेक टू ग्रुप, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सिक्स एनिमल एंड से वन ग्रुप वी हैव टू गिव व्हीकल एंड अदर ग्रुप वी हैव टू गिव मॉर्फिन 10 mg/kg ओरल डोसेज देयर। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के पहले हम लोग एक ग्रुप को व्हीकल देना है, एक ग्रुप को हम लोग को देना है मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो स्टैंडर्ड डोज है 10 mg/kg ओरल डोज देना है माइस को। ओके, देन इन दिस वे योर ग्रुप इज, आपको आफ्टर डेट वी हैव टू क्लिक ऑन एडमिनिस्टर्ड। डोज कैसे एडमिनिस्टर करना है, इन दिस वे वी हैव टू एडमिनिस्टर द डोज। वी कैन गिव द डोज ओरली एज वेल एज वी कैन by using intraperitoneal route. After the injecting dose, हम लोग को डोज इंजेक्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि पेन परसेप्शन काउंट हो रहा है। सी, वेन वी अप्लाइड द थर्मल लाइट विच इज अबाउट 55 to 60 डिग्री सेल्सियस, तो उससे क्या होता है, पेन होता है। पेन काउंट करते, पेन परसेप्शन काउंट करते, कितने सेकंड में टेल फ्लिक करता है वो हम लोग को काउंट करना है। सी, जब टेल फ्लिक होता है तो वो काउंट करते हैं, बट वेन वी गिविंग द ड्रग, जब हम लोग एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, एनाल्जेसिक का मेन पर्पस क्या होता है, दिट विल बी रिड्यूसिंग योर पेन परसेप्शन। पेन को रिड्यूस करता है बाय थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, आपके डिफरेंट मैकेनिज्म में पे वर्क करके आपका पेन को रिड्यूस करता है। तो उनको अगर जब हम लोग थर्मल लाइट अप्लाई करेंगे तो उनमें पेन परसेप्शन कम होगा। सो वे लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली द प्रैक्टिकल इज देयर। तो फर्स्ट थिंग हम लोग व्हीकल की रीडिंग लेंगे, वी हैव टू क्लिक ऑन फर्स्ट एनिमल। हम लोग को देखो, हम लोगों ने फर्स्ट एनिमल में क्लिक किया, वहाँ पर लाइट अप्लाइड हो रही है। लाइट अप्लाइड होने के बाद कितने टाइम में फ्लिक कर, सी टाइम इज देयर, इसने 9 सेकंड इज देयर, 9 सेकंड में उन्होंने फ्लिक किया। तो यू हैव टू पुट 9 इन दिस बॉक्स।
आफ्टर डैट यू हैव टू सिलेक्ट सेकंड वन। इस तरह से आपको सेकंड माइस सिलेक्ट करना है और कितने सेकंड में फ्लिक कर रहा है। व्हाई फ्लिकिंग इज देयर, बिकॉज थर्मल लाइट इज देयर एंड थर्मल लाइट से पेन हो रहा है, पेन पेन की वजह से वो क्या हो रहा है, टेल को फ्लिक कर रहा है। तो वॉट एवर द रीडिंग इज देयर 10 सेकंड में उसने फ्लिक किया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक अनदर एनिमल, नेक्स्ट एनिमल सिलेक्ट करना है। देन आपको फ्लिकिंग टाइम मेजर करना है, यू हैव टू काउंट योर फ्लिकिंग टाइम। सो अगेन 9 सेकंड इज देयर, सो यू हैव टू पुट 9 इन पर्टिकुलर बॉक्स। ओके, इन दैट यू हैव टू सेलेक्ट सेकंड वन, नेक्स्ट वन, अगेन यू हैव टू मेजर द फ्लिकिंग टाइम। ओके, सो अगेन 10 सेकंड इज देयर। नाउ नेक्स्ट वन यू हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट माइस। ओके, 8 सेकंड इज देयर। इन दिस वे वन बाय वन यू हैव टू सिलेक्ट एवरी माइस एंड यू हैव टू पुट द एग्जैक्ट रीडिंग इन पर्टिकुलर बॉक्स। ओके, 8 सेकंड। सो इन दिस वे वी डन दी रीडिंग फॉर व्हीकल और वी डन कंट्रोल ग्रुप। ये जो हम लोगों ने किया कंट्रोल ग्रुप को व्हीकल दिया था, उसमें हम लोगों ने फ्लिकिंग टाइम मेजर किया। सी, थर्मल लाइट होने की वजह से क्या होता है कि तुरंत वो फ्लिक करता है, उसको पेन होता है। नाउ अब हम लोग जो अदर ग्रुप है जिसको हम लोगों ने ड्रग दिया है, एनाल्जेसिक ड्रग दिया है, तो जो पेन परसेप्शन है वो बहुत ही कम होगा जो जिनको हम लोगों ने ड्रग दिया है। सो इन दिस वे वन बाय वन यू हैव टू सिलेक्ट द ड्रग क्रिएटेड ग्रुप। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फर्स्ट माइस। सी, द टाइम इज इंक्रीजिंग। व्हाई टाइम इज इंक्रीजिंग फॉर फ्लिकिंग? बिकॉज 13 सेकंड इज देयर। ओके, सो हम लोगों ने उनको ड्रग दिया था, ड्रग देने की वजह से फ्लिकिंग टाइम बढ़ रहा है। नाउ इन दिस वे यू हैव टू सिलेक्ट वन बाय वन, आपको एक के बाद एक आपको माइट सिलेक्ट करने, आपको फ्लिकिंग टाइम काउंट करना है। देखो इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली आपको पता चल जाएंगे कि कितने सेकंड में वो फ्लिक कर रहा है। इन दिस राइट 16 सेकंड इज देयर। वाई 16 सेकंड? बिकॉज वी ऑलरेडी गिवन द ड्रग मॉर्फिन। मॉर्फिन एक्ट ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूसेस द पेन परसेप्शन। इस तरह से इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई हाउ एनाल्जेसिक ड्रग नॉर्मली रिड्यूसेस द पेन। सो फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल वी कैन आइडेंटिफाई एनाल्जेसिक ड्रग रिड्यूसिंग द पेन बाय एक्टिंग ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। This practical is based on centrally acting. Thirteen seconds is there. In this way, you have to select one by one. Six. You have to take 6 reading. Okay. After the 6 reading. You have to put that reading in the particular box. Okay, now last one. One by one you have to click and see. In this way you have to do the practical after the completion of every read. जब सब read की reading हो जाएंगी, after the completion of every read, you have to click on observation table. See, this is your observation table. Vehicle triated group or drug triated group. Vehicle को हम लोगों ने saline solution दिया था और drug triated में हम लोगों ने morphine दिया था। तो जो vehicle triated में जो average reading है, that is 9 seconds. 9 सेकंड में तेल को फ्लिक करता है और जो जिसको ड्रग दिया था उसका एवरेज है 14 सेकंड। इट मींस दैट योर ड्रग शोज द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। ओके, आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन टेबल यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑब्जर्वेशन टेबल इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू क्लिक कंक्लूजन। Conclusion, increase in the average response time in drug treated mice shows that pain threshold is increased in the drug treated in mice. So, conclusion से पता चलता है कि जिन लोग जिन
ग्रुप को हम लोगों ने ड्रग दिया उनको पेन कम होता है, और जिनको ड्रग नहीं दिया उनको पेन ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पर एनाल्जेसिक एक्टिविटी को डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ टेल फ्लिक मेथड। हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, हम लोगों का सेक्स फॉर्म से या सॉफ्टवेयर है, उसका आईडी पासवर्ड हम हर स्टूडेंट के पास है। लॉग इन करके ये स्टडी आपको, इन दिस वे यू हैव टू कंडक्ट दिस प्रैक्टिकल और यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल।